Good afternoon to everybody. वैसे ये आपका आठवां समिट है और डिजिटल वर्ल्ड में भारत किस प्रकार से प्रगति करें उसका गहरा चिंतन मनन आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। अच्छा होता मैं भी आप बीच कर आकर के आपके विचारों को सुनता, आपकी समस्याओं को समझता और हम सब मिलकर के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल वर्ल्ड में हम भारत को कहां रख सकते हैं, हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं उसके संबंध में बहुत सारी बातें हम कर सकते थे, लेकिन समय अभाव से मैं स्वयं वहां आ नहीं पाया हूं। मैं आयोजकों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आप सबसे मिलने का अवसर दिया। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है और अगर हमें प्रगति करनी है, विकास करना है तो सही तरीके से समय रहते हुए और जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस टेक्नोलॉजी का व्याप बढ़ाते हैं, निरंतर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करते हैं और सारी व्यवस्थाएं एफोर्डेबल बने, तब तो मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी से हम लोगों को एम्पावर करने में सफल हो सकते हैं। ये बात सही है कि पिछले 100 वर्ष में मानव जीवन की विकास यात्रा की जो गति रही होगी, अनेक नए नए आविष्कार हुए होंगे, अनेक नवीन प्रयोग हुए होंगे, लेकिन गत 3-4 दशक में खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सारे जीवन को देखने का, व्यवस्थाओं को विकसित करने का रूप रंग ही बदल दिया है। हम लोग अभी भी पुराने कानूनी व्यवस्थाओं से चलते हैं, जबकि डिजिटल वर्ल्ड ने सारे बैरियर तोड़ दिए हैं और उस अर्थ में देश के लिए सबसे पहले आवश्यक हो गया है कि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी जबकि जीवन की हर गतिविधि का हिस्सा बन चुका है, वहां हमारे कानून, हमारे नियम कितने डायनेमिक है, कहीं हमारी पुराने कानून व्यवस्था इसमें रुकावट तो नहीं बन रही है, हमारे पुराने नियम इस सारे प्रोग्रेस को रोकने का कारण तो नहीं बन रही है। कभी कभी यह भी सोचने की जरूरत बन जाएगी कि जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन हाईवेज के कारण, इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन के कारण, इजीली अपने थॉट्स को कन्वे करने की टेक्नोलॉजी की सुविधा होने के कारण एक सामान्य मानवी भी जिस प्रकार से आगे बढ़ता चला जा रहा है,
क्या हमारी कानून व्यवस्था, हमारे नियम उसे प्रोत्साहक है, उसे पूरक बन रहे हैं? अगर वो नहीं है तो टेक्नोलॉजी का संशोधन कितना ही होता चला जाएगा, कभी न कभी एक क्लैश पैदा हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये क्लैश स्वस्थ विकास के लिए उचित नहीं होता है, और इसलिए आवश्यकता है कि बदलते हुए युग में रोजमर्रा विकसित हो रही इस टेक्नोलॉजी के रहते हुए हम ऐसी डायनेमिक कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था, सरकार की व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें, ताकि इन सारे विषयों में हम उनको प्रोत्साहन दे सके। भाइयों बहनों, आप इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में आपका कारोबार है, आपके इनोवेशंस हैं, आपके इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बदलते हुए विश्व में भारत अपनी जगह एक ताकत के साथ बना पाए, वैसा कंट्रीब्यूशन करने में हम सफल हुए हैं क्या? अब आज देखिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत बड़ी चर्चा और चिंता का विषय है। हर राजनीतिक दल, सरकार में हो, विपक्ष में हो, सबको इसकी चिंता है, लेकिन उसके उपाय खोजने में हर एक की अलग अलग सोच है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। अब एक प्रकार से एक टेक्नोलॉजी का हमारे देश में व्याप बढ़ना वो विकास की दृष्टि से अच्छी चीज है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड को विदेश से लाना पड़े तो देश का अर्थतंत्र चरमरा जा रहा है। आप जैसे सामर्थ्यवान लोग वहां बैठे हो, हम सब ने मिलकर तय करना होगा कैसी वो कौन सी कमी है, वो कौन सी रुकावटें हैं कि जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्माण में हम आज भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। दुनिया के छोटे छोटे देश बहुत ही कम कीमत से इलेक्ट्रॉनिक गुड का हमारे देश के अंदर एक प्रकार से फ्लड हो जाता है। इस चैलेंज को सिर्फ सरकार उठा सकती है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है, लेकिन जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं, जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्थाएं बनाने वाली सरकारें हैं, हम सब मिलकर के जिस प्रकार से साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से उसके अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरिंग को बल दे सकते हैं क्या? हम टारगेट तय कर सकते हैं कि भारत 5 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड की मांग को इस प्रकार से पूरा करेगा, इतना इंपोर्ट हम कम करेंगे, 10 साल के भीतर भीतर हम दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट करने लग जाएं, और इलेक्ट्रॉनिक गुड का पूरा इंडस्ट्री ऐसा है जिसको कॉटेज इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, गरीब से गरीब लोगों को रोजी रोटी दी जा सकती है। कभी कभी मुझे लगता है कि आज पूरे दुनिया में आउटसोर्सिंग हो रहा है और भारत में उस आउटसोर्स के कारण इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा जॉब वर्क मिल रहा है, हम इस जॉब वर्क का फायदा भी उठा रहे हैं, हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है, और एक प्रकार से दुनिया में जॉब वॉर भी चल रहा है। चाइना की कोशिश रहती है
कि दुनिया का सारा काम उसके हाथ लग जाए। भारत के पास एक नेचुरल सद्भाग्य रहा है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 65% से अधिक जनसंख्या 35 से नीचे है, वो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की उसके अंदर सहज प्रवृत्ति है, प्रकृति है। और भारत के बालक स्वाभाविक इन चीजों को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर पाते हैं। हम इस क्षेत्र में कैसे प्रगति करें, कभी कभी ये विषय भी सोचने की आवश्यकता है। और एक हमारा पैराडाइम शिफ्ट उस रूप में सोच सकते हैं क्या? एक समय था जब बैंगलोर की धरती पर सबसे ज्यादा आउटसोर्स की एक्टिविटी का केंद्र बना हुआ था, लेकिन बैंगलोर जब सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया तो हैदराबाद की शिफ्ट कर दिया गया। धीरे 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 बड़े शहरों की ओर शिफ्ट होता चला गया। मैं डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से साथ जुड़े हुए आपसे आग्रह करता हूं, क्या ये जरूरी है कि आउटसोर्स, चूंकि कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी व्यवस्थाएं विकसित करें, नेटवर्किंग की सुविधा हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, हम छोटे छोटे गांवों में भी इस टेक्नोलॉजी का जाल बिछा करके छोटे छोटे स्थान पर रोजी रोटी मुहैया करा सकते हैं। आपका खर्चा कितना कम हो जाएगा। इसी काम के लिए बड़े शहरों में जो खर्च लगता है, यही काम छोटे स्थान पर बहुत कम खर्च हो सकता है, इकोनॉमिकली वायबल होगा। हम दुनिया के सामने ये आउटसोर्स एक्टिविटी में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रूप से हम खड़े हो सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां की बालकों को अंग्रेजी भाषा पर सहज कमांड है, दूर सुदूर जंगलों में उनकी जिंदगी है, छोटे 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 शहर है, और किसी उद्योगों को जाने में काफी देर होने की संभावना रही है, क्यों न हम बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, इन स्थानों पर जो आउटसोर्स के द्वारा डिजिटल एक्टिविटी हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों ना हो। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को रोजी रोटी के लिए दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद क्यों जाना पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि घर बैठे वो दूर दूर के लोगों को अगर रोजी रोटी मिलती है, क्या हम इस विषय में सोच नहीं सकते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन बड़े शहरों के बाहर छोटे स्थानों पर इसे कैसे ले जाएं। मैं उदाहरण देता हूं मेरे गुजरात का। हमारे यहां डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सूरत में केंद्रित रहा। दूर दूर से गांव के लोग सूरत में आते थे, बसते थे, एक कमरे में 20-25 लोग रहते थे, 8-10 घंटे अपना मजदूरी करते थे। हमारे राज्य में ज्योतिग्राम योजना आने के कारण 24 घंटे बिजली गांव में पहुंचने के कारण ये कटिंग पॉलिशिंग का बिजनेस जो सूरत में था वो गांवों तक चला गया। अब गांव के बच्चों को अपना घर माँ बाप छोड़ करके सूरत नहीं जाना पड़ रहा है, वो अपने गांव में काम कर लेता है और परिवार के और लोग भी उसमें मदद करते हैं। वो अपना खेत संभालता है, बूढ़े माँ बाप संभालता है, अपना काम कर लेता है और सप्ताह में एक दिन या तो महीने में दो बार सूरत जाता है, एक पुड़िया में अपने डायमंड लेकर के जाकर पहुंचाता है, अपनी मजदूरी लेकर के आ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस पूरे काम को जितना तेजी से डिसेंट्रलाइज करते हैं, जितना तेजी से गरीबों तक हम पहुंचाते हैं, यह अपने यहां इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूर सुदूर विशेष करके नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके जहां के नौजवानों को एक बहुत बड़ी रोजी रोटी कमाने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा देता है। मैं मानता हूं कि आप इस फील्ड के लोग कभी न कभी सोच सकते हैं और वहां की सरकारें, भारत सरकार उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव दे सकती है। तो आप देखिए कितना बड़ा कमाल होगा और आप दुनिया के बाजार के अंदर आप बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव रूप में आप खड़े हो सकते हैं, उस दिशा में जा सकते हैं। कभी कभी विचार आता है ये फेसबुक हो, ये गूगल हो,
ये याहू हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, क्या हमारे देश के नौजवानों के पास वो सामर्थ्य नहीं है? क्या हमारे नौजवान इस प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़कर के दुनिया में अपनी विधा का परिचय नहीं करवा सकते? भाइयों बहनों, मेरा भरोसा है हमारे देश के 20-25 साल की आयु के नौजवानों में भी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, रिसर्च, उसमें कोई कमी नहीं है। हमें उनको अवसर देना होगा और हम भी दुनिया को इसी टेक्नोलॉजी माध्यम से, इसी विज्ञान के माध्यम से दुनिया को बहुत बड़ी नई विधाएं दे सकते हैं और विधाओं को देने का हमने एक अवसर कब उपलब्ध करना चाहिए। क्यों ना हमारी इन सारी कंपनियां कोई कॉर्पोरेट फंड बनाएं, राज्य और राष्ट्र भी उस कॉर्पोरेट फंड के अंदर जुड़े और डिजिटल वर्ल्ड के इनोवेशंस और रिसर्च के काम में हमारी टैलेंट को अवसर दें। हम दुनिया के सामने बहुत बड़ी नई चीजें लेकर के आए और विश्व को अजूबा हो। हम इस पूरे मार्केट, और ये मार्केट रिसर्च के बिना टिकने वाला नहीं है, हम सेवाएं लेते रहेंगे तो हम कभी भी इस क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो सकते हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर कैसे बने, हम दुनिया को इस शक्ति का परिचय करवाने वाले कैसे बने, ये हम कैसे देखें। उसी प्रकार से ये ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास इतनी तेजी से हो रहा है, सॉफ्टवेयर की दुनिया में उसने अपना ऐसा रोल किया है कि मार्केट में एक चीज आती है, कोई एक प्रेजेंटेशन देके जाता है, दूसरे हफ्ते दूसरा प्रेजेंटेशन देता है। मैं तो सरकार में बैठा हूं, मुझे पता है कि एक से एक बढ़कर एक इतनी वैरायटी आती है, कभी कभी सरकार के लिए बहुत बड़ी उलझन हो जाती है कि भाई किस टेक्नोलॉजी पे चले, और 2-4 महीने अगर डिले कर दिया तब तो नई चीज आकर के खड़ी हो जाती है। हमारे देश में कुछ कॉमन चीजें एक साथ विकसित करने की हमें आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक साकार किया जा सकता है। आज देश में भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जो अनेक रास्ते हैं, एक ही रास्ता, ऐसा मैं नहीं कहता, अनेक रास्ते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण रास्ता टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम ट्रांसपेरेंसी की गारंटी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान के कई राज्य हैं जिन्हें ई प्रोक्योरमेंट की पद्धतियां को स्वीकार किया है, उसका बहुत ही परिणाम मिल रहा है। इवन लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम, गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य मानवीय की आवाज सुनाई जाए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म हो, उसको रिस्पॉन्ड मिले। गुजरात में मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और ऐसे अद्भुत परिणाम मिले हैं, यूनाइटेड नेशन ने उसको अवार्ड दिया है। ये आप ही के द्वारा जिस फील्ड में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है उसको हम जन सेवा के लिए काम लाए हैं, सामान्य मानवीय की शिकायत के लिए। आज अपना घर का दरवाजा हमें उसके लिए खटखटाना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर क्लिक कर करके वो अपनी शिकायत पहुंचा सकता है। ये ताकत टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामान्य मानवीय तक पहुंचाने का प्रयास हुआ है। मैं और इसका विस्तार कर सकते हैं, हमें एनालिसिस करने हो, रियल टाइम डाटा की जरूरत हो। कभी कभी हैरानी होती है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में भी हमारे देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट कोई है तो रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है। इवन 5-year प्लानिंग के लिए जो रियल टाइम डाटा चाहिए, जिस डाटा के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं, वो उपलब्ध नहीं होते हैं। क्यों ना हम सिंप्लीफाई करके इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से
ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क हमारे देश में क्यों खड़ा ना हो। कभी कभी लगता है महंगाई की समस्या का समाधान करना है तो भी रियल टाइम डाटा बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारे किसान किस जगह पर कितनी बारिश हुई है, फसल की क्या स्थिति हुई है, हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। हमारा किसान सीजन में इन दिनों क्या बो रहा है, गेहूं कितना बोया जा रहा है, चावल कितने बोए जा रहे हैं, पल्सेस कितने बोए जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर सही रहा तो इतना उत्पादन होगा। फसल काटने से पहले रियल टाइम डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, भाई इस बार इतनी फसल हुई है। उस रियल टाइम डाटा के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि यहां ज्यादा माल है वो यहां शिफ्ट किया जा सकता है, वहां कम है वहां से इंपोर्ट किया जा सकता है, इतनी की जरूरत पड़ेगी, ये ज्यादा है हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हम अपने टर्म्स पे वर्ल्ड मार्केट के अंदर इंटरवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रियल टाइम डाटा कलेक्शन की व्यवस्था थ्रू दिस टेक्नोलॉजी पूरे अगर राज्य के अंदर, देश के अंदर उसकी पूरी अगर जाल बिठा दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हेल्थ सेक्टर हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोगों को हेल्थ के लिए आज टेलीमेडिसिन बहुत बड़ा रोल कर सकती है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, हमने गुजरात के अंदर किसानों को अपने खेत के अंदर पौधों को कोई बीमारी लग जाए तो उसके लिए डिजिटल नेटवर्क से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा। किसान अपने खेत में से मोबाइल फोन से उस पत्ती का, उस पौधे के फोटो निकाल करके भेजते रहे, वो गाइडेंस लेता है और उसको मार्गदर्शन मिलता है कि भाई अपने क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। डिजिटल नेटवर्क का कितना फायदा होता है। और सामान्य मानवीय अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बहुत तेजी से वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है, उसमें देर नहीं लगती है। कुछ लोगों को घबराहट रहती है, भाई ये बड़ा, मेरा मत है जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। सामान्य मानवी अपनी अनुकूलता से वो अपना हिसाब किताब खड़ा कर देता है, वो इनोवेशन करता है। और ये बात सही है कि डिजिटल वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी सुविधा व्यवस्था अच्छा बिंदु ये रहा है कि वे निरंतर अपने हर इनोवेशन को यूजर फ्रेंडली बनाने के बाबत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और मैं अच्छी बात बताता हूं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हर नई रिसर्च, हर नया इनोवेशन ज्यादा यूजर फ्रेंडली कैसे बने, ये बाय एंड लार्ज सभी कंपनियों का, सभी मैन्युफैक्चरर का, सभी इनोवेटर की सोच रहती है। और उसके कारण सामान्य मानवी का कनेक्ट होना बहुत स्वाभाविक होता है। भाइयों बहनों, हम ई गवर्नेंस की दिशा में हमारे देश ने जितना करना चाहिए बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन समय इंतजार नहीं कर सकता। और मेरा स्पष्ट मत है, ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज बाय लार्ज वेरी वेरी इकोनॉमिकल गवर्नेंस, आर्थिक रूप से बहुत कम खर्चे वाला गवर्नेंस है। अब पहले हम कलेक्टर डीडीओ की कॉन्फ्रेंस करते थे तो 6-6, 8-8 घंटे ट्रैवल करके अफसरों को आना पड़ता था, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं। पहले जेल के कैदियों को कोर्ट में लाते थे, कितने पुलिस वाले लगते थे, कितने व्हीकल लगते थे, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल और कोर्ट के बीच नाता बन गया है तो काफी कठिनाइयां कम हो गई हैं। हम कितने व्यापक रूप में इवन अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसका गवर्नेंस में उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन, हम लोगों को मोबाइल गवर्नेंस पर जाना होगा। हम जितना जल्दी मोबाइल गवर्नेंस पर जाएंगे उतनी सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हमने गुजरात के अंदर एक वनडे गवर्नेंस का कंसेप्ट विकसित किया है। वनडे क्रिकेट से तो हम परिचित हैं, हमने वनडे गवर्नेंस का कंसेप्ट विकसित किया है। 150 से ज्यादा सेवाएं ऐसी है कि जो उसको सुबह जाकर के अपना लिफाफा छोड़ दें, शाम को वापस आते समय उसको सेवाएं मिल जाती। क्यों? जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क। करीब 225 से जैसे ऐसे सेंटर बनाए हैं जहां कंप्यूटर पर नौजवान बैठे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आती है उस पर वर्क करते हैं और शाम तक में उसका काम कर देते हैं। सामान्य मानवी को यही कोई 100-150 सेवाएं होती है, उसकी बार बार जरूरत पड़ती है, कितना बोझ कम हो जाता है।
और कितने रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक सुविधाजनक जिंदगी में भी ये डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और हम उस दिशा में जाना चाहते हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि एक समय था कि जहां पर पानी होता था वहां शहर बसते थे, नदी के किनारे शहर बसते थे, समंदर तक के तट पर शहर बसते थे। वक्त बदला, जहां जहां हाईवे होने लगे उस हाईवे के किनारे पर शहर बसने लग गए। लेकिन आने वाले युग में सारी दुनिया बदलने वाली है। जहां जहां से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गुजरता होगा मानव बस्ती वहां बसने वाली है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जीवन में इतना बड़ा रोल होने वाला है। हम जितना तेजी से आधुनिक विज्ञान के तौर पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उस काम को हम कितना जल्दी पूरा कर सकते हैं, उतना लाभ होने वाला है। सैटेलाइट सिस्टम्स एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, दूर सुदूर से जंगलों में गरीब बच्चों को अगर अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं है तो हम अच्छी शिक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और हमारे गांव के भी बच्चे टीवी के स्क्रीन पर चीजें पढ़ सकते हैं और दुनिया में किसी के साथ भी कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, इतनी ताकत उनके अंदर हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक नेक्स्ट जनरेशन कॉमन मैन की रिक्वायरमेंट, गुड गवर्नेंस के सपने, मोबाइल गवर्नेंस के और हमारा मुड़ना, इन सारी बातों को लेकर के हमने आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं ये सपना देखता हूं मित्रों, अब आज हम वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एटलीस्ट हमारा नेशनल कैपिटल वो तो वाईफाई हो। भाइयों बहनों, मैं उस दिशा में लगा हूं कि जल्द से जल्द मेरा स्टेट कैपिटल वाईफाई कैसे बने, उस दिशा में अभी हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से सारी टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है। भांति भांति की टेक्नोलॉजी बिखरी पड़ी हुई है, इन सबको कहीं कहीं जोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। एक काम के लिए एक टेक्नोलॉजी, दूसरे काम के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरे काम के लिए तीसरी टेक्नोलॉजी, एक इलाके में एक टेक्नोलॉजी, दूसरे इलाके में दूसरी टेक्नोलॉजी, तो इतने बड़े देश को हम एम्पावर नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वन पीपल वन नेशन वन मिशन एक बहुत बड़ा स्ट्रांग ताकत पैदा कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य है टेक्नोलॉजी का कि जो मीटिंग ऑफ माइंड जिसको कहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि जो मास कम्युनिकेशन के जितने टेक्नोलॉजी थे उसको आज सोशल मीडिया ने बिल्कुल परास्त कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति मास कम्युनिकेशन के सिस्टम से आई हुई बातों को परखने लग गया, हिसाब किताब लगाने लगा है। टेक्नोलॉजी एक इंसान को एम्पावर कर रहा है। जो काम एक बड़े अखबार का एडिटर नहीं कर पाता है, वो गांव का एक सामान्य मानवी अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल और सोशल नेटवर्क से वो काम वो कर देता है, उसकी क्रिएटिविटी का अनुभव होता है। हम जनता जनार्दन को पार्टिसिपेशन में कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे यहां एक बार हमने एक प्रयोग किया था, हमारे यहां रिवर फ्रंट बना है, हिंदुस्तान में पहली बार रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट को हमने साकार किया साबरमती नदी पर। और हमने जनता से ऐसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी रिवर फ्रंट पर जाते हैं अपने मोबाइल फोन से फोटो निकाल करके फेसबुक पर फोटो कॉम्पिटिशन में जुड़ जाए। और हमने अनुभव किया कि लाखों लोगों ने भाग लिया, लाखों फोटो ऑनलाइन मिल गए। आज भी डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे तो रिवर फ्रंट के अपार फोटोग्राफ भी पड़े हैं। और हमने 1-2 लाख रुपए इनाम दे दिया, ऐसे ही काम हो गया। यानी ये इतनी बड़ी ताकत है जिसको सामान्य से सामान्य मानव हम जोड़ सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों को सपना देखना है, हम कितना जल्द हमारे देश को डिजिटल इंडिया के रूप में
उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। और मैं इस विषय में बहुत रुचि रखता हूं और मैं मानता हूं एक डिजिटल इंडिया एक टाइम फ्रेम के साथ उस सपने को साकार करना चाहिए। और जब मैं डिजिटल ऑफ इंडिया कहता हूं तब भाइयों बहनों मैं आज आपको कहना चाहता हूं आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन। आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेयर 1.2 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस ड्राइव इनोवेशन। आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेयर knowledge is strength and empowers the people. I dream of a digital India where access to information knows no barriers. I dream of a digital India where government is open and governance transparent. I dream of a digital India where technology ensures the citizen government, interface is incorruptible. I dream of a digital India where government services are easily and efficiently available to citizen on mobile devices. I dream of a digital India where government proactive engages with the people through social media. I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by the digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare prelocates right up to the remotest regions powered by e-healthcare sector. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to be connected with global market. I dream of a digital India where mobile enables emergency services ensure personal security. I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security. I dream of a digital India where mobile and e-banking ensures financial inclusion. I dream of a digital India where e-commerce drives entrepreneurship. Digital India where the world looks to India for the next big idea. I dream of a digital India where the citizen is an empowered citizen. Netizen is also a empowered citizen. भाइयों बहनों मैं मानता हूं कि इस विजन के साथ डिजिटल इंडिया के सपनों को पार करने का सपना लेकर के आपका इस समारोह और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। आपने मुझे बुलाया आपसे बात करने का अवसर दिया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।